हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश रीडर फॉर सिक्स क्लास एंड फर्स्ट चैप्टर इंडियन बेवर। इंडियन बेवर मतलब भारतीय जुलाहे, जुलाहे मतलब जो कपड़े बुनते हैं उसके बारे में है। ओके, लेट्स स्टार्ट द बेवर वीविंग द ब्रेक ऑफ डे। Why do you wave the garment so gay? Blue as the wing of the health and wild, we wave the robes of a new child. इस कविता में जो हमारी कवित्री यानी कि हमारी जो कविता लिखी है सरोजनी नायडू, वह पूछती हैं जुलाहों से, कपड़े जो बुन रहे हैं उनसे, कि आप दिन के शुरुआत में आप इतनी खुश होकर क्या बुन रहे हैं जिसका रंग नीला, जैसे कि एक हेल्सन होता है एक धीर चिड़िया, यानी कि एक धीर चिड़िया के जैसा नीला आप क्या बुन रहे हैं। जो हमारे जुलाहे हैं वो कहते हैं कि हम नवजात छोटे बच्चे के लिए कपड़े बुन रहे। फिर नेक्स्ट लाइन है, वेवर वेविंग द फॉल ऑफ द नाइट्स, वाई डू यू वेव द गारमेंट सो ब्राइट, लाइक एज द प्लम्स ऑफ द पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन, वी वेव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन। फिर हमारी कवित्री कहती हैं इसमें, जुलाहे आप रात में बुनाई कर रहे हैं जो कि इतना उज्जवल, यानी कि इतना ब्राइट मतलब जो कि इतना ब्राइट उज्जवल है जिसका रंग जैसे कि मोर के पंख होते हैं उसके जैसा लग रहा है। तो जुलाहे कहते हैं कि हम नव दुल्हन यानी कि नई दुल्हन के कपड़े बुन रहे हैं। नेक्स्ट है, बेवर वेविंग द सलमन एंड द स्टील, फॉर डू यू बेव इन द मून लाइट चिल, वाइट एज द फेदर एंड वाइट एज द क्लाउड, वी वेव द डेड मैन इन द फर्नल। फिर हमारी कवित्री पूछती हैं कि हे जुलाहे, तुम इतनी शांति और गंभीर रूप से तुम चांदनी रात में, ठंडी रात में क्या बुन रहे हैं। तो हमारे जुलाहे कहते हैं कि हम डेड मैन यानी कि मरे हुए व्यक्ति के लिए कपड़े बुन रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये सिक्स क्लास की बुक का फर्स्ट चैप्टर था इंडियन बेवर, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब इसके लिए मैंने आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चंस दिए हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ, जिसके आंसर आपको खुद सर्च करने। तो हमारा होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेविंग, यानी कि जुलाहे क्या बुन रहे हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कलर ऑफ गारमेंट्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, यानी कि जो नवजात बच्चू है, जो छोटा बच्चा है, उसके कपड़ों का कलर क्या है।